the point of intersection of normal to the parabola y square is equal to 4x at the ends of lattice rectum. तो अपने को क्या गिवन है, lattice rectum के एंड पे अपन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उस नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ, तो सबसे पहले लैटिस रेक्टम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लैटिस रेक्टम पे अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो जो डायग्राम दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करूँ, वाई स्क्वायर इजकल्स टू 4x। तो जो पैराबोला की बनना है वाई स्क्वायर इजकल्स टू 4x, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको 4ax लिखते हैं, तो ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लेट से ये अपना क्या है, x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये क्या है, ये y एक्सिस है, ठीक है। मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया और ये अपना पैराबोला वाई स्क्वायर इजकल्स टू क्या है 4ax, और ये पॉइंट क्या है, s, s क्या है, इसका फोकस है, और s के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स a कॉमा 0 लिखते हैं अपन। तो फोकस के लिए अपन कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं, a कॉमा 0, तो a की वैल्यू क्या है 1, तो ये कोऑर्डिनेट्स होगा 1, 0। अगर और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, अपन फोकस से पास करते हुए एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, वो एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। वो एक्सिस के अगर पैरेलल आएगा तो पी के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोलूँ तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट्स तो 1 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर देखें तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पी का एक्स कोऑर्डिनेट्स 1 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 2, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4 इसका, ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट्स होगा 4, और सिमिलरली नहीं, वाई कोऑर्डिनेट्स इसका 2 हो जाएगा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स इसका 2 होगा। और सिमिलरली अगर क्यू के कोऑर्डिनेट्स के लिए बात करूँ तो क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स तो 1 ही रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट्स अगर बोलूँ तो वाई कोऑर्डिनेट्स इसका हो जाएगा -2। तब अपन क्या बोल रहे हैं, पी और क्यू पे ये बोल रहा है नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेट्स से पी पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अपन N1 बोलते हैं, और क्यू पे जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उसको N2 बोलते हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट्स से अगर ये है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R को अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं अगर पी के कोऑर्डिनेट्स देखूँ, तो पी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या आ गए, पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 2, और इसके इसको अगर अपन 80² 280 से कंपेयर करूँ, अपन पॉइंट्स क्या लेते हैं पैराबोला पे, वो लेते हैं 80² 280, और a की वैल्यू क्या है 1, तो a की वैल्यू अगर 1 है तो ये आ जाएगा t² 2t, और t² 2t में अगर मैं t की वैल्यू देखूँ तो t की वैल्यू क्या है, p के लिए t की वैल्यू है 1, और अगर मैं सिमिलरली q के लिए वैल्यू देखूँ तो q का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -2, ठीक है, और इसका भी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा t² 2t, तो q के लिए t की वैल्यू क्या है -1। तो अब अगर मैं p के लिए नॉर्मल्स लिखूँ, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, जनरल नॉर्मल, अगर मैं किसी भी पैराबोला के लिए जनरल नॉर्मल की इक्वेशन लिखूँ तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y = t के टर्म्स में, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखूँ तो वो क्या होगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं अपन y = -tx + 280 + at³। ये होता है अपने पास जनरल नॉर्मल की इक्वेशन पैराबोला के केस में टी के टर्म्स में, ठीक है। क्या होता है ये, y = -tx + 280 + at³, ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया y = -tx + 280 + at³। अब अपने को a और t की वैल्यू पता है, तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दूँ तो y = ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -tx + 2t + t³। a की वैल्यू अपन ने 1 पुट कर दिया। अब p के लिए जो है, p के लिए अगर मैं बोलूँ तो p के लिए नॉर्मल 1 बोला था, और उसके लिए t की वैल्यू क्या है 1। तो अगर मैं N1 की इक्वेशन लिखूँ तो N1 के लिए अपन इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये y की इक्वेशन क्या आ जाएगी, t की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये आ जाएगा y = -x + 2, और ये प्लस का 1 आ जाएगा, मतलब ये क्या लिखा हो, y = -x + 3। तो ये हो गया N1 की इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं N2 के लिए सॉल्व करूँ तो N2 का इक्वेशन क्या आ जाएगा, N2 का इक्वेशन हो जाएगा t = -1, ठीक है, तो t = अगर -1 अपन इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा y = t = -1, तो ये आ जाएगा x, और ये -2t, और ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, t की जगह पर अपन -1 पुट कर रहे हैं तो -1, और ये -1 आ जाएगा -2 -1, तो ये आ जाएगा y = x - 3। तब अपन क्या करें, ये N1 और N2 को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r निकाले, ठीक है। तो अपने पास N1 और N2 आ गया, इसको अपने को सॉल्व करना है, तो N1 N2 को अगर अपन सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, y - x + 3 = x - 3। तो यहाँ से अपन देखें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और x की वैल्यू 0 अगर अपन किसी भी वैल्यू में पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी
y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ पे अपन ने ये मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक हुआ वाई, यहाँ पे अपन ने वाई को इक्वेट कर दिया, तो अब अपन वैल्यू देखे तो ये क्या आ जाएगा, 2x = 6 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू अगर 3 आ गई, तो x की वैल्यू 3 अपन किसी भी इक्वेशन में रख दे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू लेट से माइनस एक्स प्लस 3 है, तो ये -3 + 3 इजकल्स टू 0। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन r है, तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, 0, तो r के कोऑर्डिनेट्स होगा 3, 0, मतलब वो x एक्सिस पे कट करेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम सेंटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0, 3। और ये अपन देख रहे हैं कि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक पॉइंट पे इन्होंने नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो वो एक्स एक्सिस पे ही कट करेगा, और जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होगा 3, 0। सॉरी, यहाँ पे अपन ने गलत आंसर टिक किया है, 3, 0 होगा, तो आंसर थर्ड जो है करेक्ट है। ठीक है।